बीते 3 दशक से यूपी की सत्ता से बाहर कांग्रेस एक नए प्रयोग की तरफ आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी की राह पर कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक कमेटी का गठन करने वाली है। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जल्द ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई टीम का ऐलान भी करेंगे। 3 महीने में 3 बड़े ऐलान हो सकते हैं। कांग्रेस के पुराने नेताओं का मानना है कि कैसे दूसरे दलों से आए नेता पार्टी की नीतियों और नए स्वरूप को बदल पाएंगे, इस पर विचार करना होगा। बसपा से आए ब्रजलाल खाबरी अध्यक्ष पद से हटाए जा चुके हैं, तो बीजेपी से आए अजय राय को कांग्रेस ने यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। लोकसभा चुनाव के 8 महीने बाकी हैं। इतने कम समय में कांग्रेस कमेटी के अलावा बूथ स्तर तक के कैसे गठन कर पाएंगे अजय राय? तो उधर प्रियंका गांधी ने भी अजय राय को 3 टास्क दे दिए हैं। वो टास्क क्या है जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग। अजय राय को सबसे पहला टास्क दिया है प्रियंका गांधी ने कि उनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश की नई टीम का ऐलान करना होगा। कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी के बीच कैसे अजय राय प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई टीम का ऐलान करेंगे, यह भी बड़ी एक चुनौती मानी जा रही है। दूसरी तरफ करीब 30 साल के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बूथ स्तर तक गठन किया था। लोकसभा चुनाव के 8 महीने बचे हैं, ऐसे में अजय राय बूथ स्तर के गठन के साथ प्रदेश की कमेटी का ऐलान करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। दूसरा टास्क, लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कवायद के तहत कांग्रेस सभी 75 जिलों में जिला कमेटी और 840 ब्लॉकों में ब्लॉक कमेटी गठित करेगी। 8,135 न्याय पंचायत कमेटियों का गठन भी करेगी। लगभग वो पूरा करना ही होगा। अब प्रदेश की 59,000 ग्राम पंचायतों में कमेटियां गठित करने की कवायद करना बड़ी चुनौती है। पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठनात्मक ढांचा विकसित करना का है। ग्राम पंचायत कमेटियों के साथ ही बूथ कमेटियों के गठन पर जोर होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के लिए इस काम को अगले 3 महीने में पूरा करने का एक बड़ा लक्ष्य प्रियंका गांधी ने दिया है। तीसरा और अहम टास्क, अक्टूबर में ब्रजलाल खाबरी के साथ उत्तर प्रदेश के 8 प्रांतीय अध्यक्ष का भी ऐलान किया गया था। करीब 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नया प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बनाया है। नए प्रदेश की नियुक्ति के साथ पार्टी के सूत्र बताते हैं कि प्रदेश के 6 प्रांतीय अध्यक्ष की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। इसका ऐलान भी जल्द पार्टी की प्रदेश कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तो ये वो 3 टास्क थे जो प्रियंका गांधी ने अपने नए नवेले उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अजय राय को दिए हैं। अब अजय राय इस कसौटी में कैसा खरा उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप हमारी इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।